दोस्ती का मूल्य। बंदर, कुत्ता, बिल्ली जंगल के पास में ही रहते थे। हर रोज तीनों मिलकर जंगल में जाके भोजन लाकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। ऐसे में एक बार गर्मियों की मौसम होने पर पूरा जंगल सूख गया। बिल्ली और कुत्ते को कोई समस्या नहीं था, पर बंदर को भोजन मिलना मुश्किल हो गया। यहाँ पर भोजन नहीं मिल रहा है, शहर गए तो अच्छा होगा लग रहा है। मुझे भी मुश्किल हो रही है, मैं भी आऊंगी। और बंदर भी मान गया। ऐसे कुत्ता बिल्ली भी बंदर के साथ शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में बंदर को एक सोने का सिक्का दिखा। बिल्ली और कुत्ते को उस सिक्के की कीमत नहीं पता, पर बंदर बहुत बुद्धिमान था। ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है, मैं रख लूँगा। फिर बिल्ली और कुत्ते ने कहा, उसमें क्या है, तुम ही रख लो। बंदर ने उन दोनों के सिक्के को बेचकर पैसे कमाया। एक ही बार में बहुत सारे पैसे आने पर बड़ा घर बनाकर आसपास भाड़ लगा दिया। शहर आने के बाद बंदर ने बिल्ली और कुत्ते की तरफ तक नहीं देखा। बंदर के साथ आए हुए बिल्ली और कुत्ता उधर ही पास के दूसरों के घर में रहने लगे। वे घर वाले दया करके थोड़े भोजन देते तो उसी से बांट के दोनों खा लेते थे। एक बार बिल्ली और कुत्ता बंदर से मिलने गए। बंदर बहुत ही घमंड से उन पे चिल्लाकर उन्हें लकड़ी से मारकर भगा दिया। बिल्ली और कुत्ते को ऐसे जीना मुश्किल हो रहा था। तुरंत वे वापस जंगल में जाकर स्वतंत्र रहने लगे। और वहाँ शहर में बंदर को एक लोमड़ी मिली। अच्छे अच्छे मीठे मीठे बोल बोल कर बंदर को अपनी जाल में फंसा लिया लोमड़ी। बंदर ने उस पर विश्वास करके उससे दोस्ती की। थोड़े समय बाद लोमड़ी बंदर को धोखा देकर उसके छुपाए हुए पैसों को चुरा कर भाग गई। अमीर होने तक बंदर को एक समान देखने वाले सभी उसे बहुत नीचा देख रहे थे। आगे आगे ऐसे उसका जीना मुश्किल हो गया। तब तक उसे अपने पुराने दोस्तों की याद नहीं आई। तो ऐसे उसके कितना ढूंढने पर भी बिल्ली और कुत्ता नहीं दिखे। आखिर में दोस्ती के लिए जंगल जाकर वहाँ खुशी से जीने वाले बिल्ली और कुत्ते को देख उसके आंखों में आंसू भर आए। उनके पास जाकर बंदर ने माफी मांगा। तब से फिर बंदर, बिल्ली और कुत्ता अच्छे दोस्त बन गए। बारिश का मौसम आकर जंगल हरा भरा हो गया। उससे तीनों जंगल में ही खुशी खुशी रहने लगे। खरगोश में बदलने वाला शेर। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल का महाराज शेर था, लेकिन ये सभी शेरों की तरह नहीं था। जंगल में सभी जानवरों के साथ अच्छे से रहता था। हर एक जानवर को ना खाते हुए बस भूख मिटाने के लिए ही शिकार करता था। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर डर के भाग जाते थे। इसका शेर को बहुत दुख पहुंचता था। उसे भी उनके साथ मिलकर खेलने की, दोस्ती करने की इच्छा होती थी, पर वो गुफा में ही अकेला रह जाता था। उनके साथ मिलकर रहने की सोचा तो वे उसे देखते ही डर के भाग जाते हैं करके शेर को दुख होता था। एक दिन उस जंगल में एक साधु तपस्या करने आया है। वह रोज जंगल के सभी जानवरों से बात करता था। शेर उनके पास आकर बोला, स्वामी जी, क्या आप मेरी एक इच्छा को पूर्ण कर सकते हो क्या? बोलो। फिर शेर ने पूछा, मुझे ऐसे शेर की तरह नहीं रहना, आजादी से सबसे मिलजुल कर रहने वाली खरगोश की तरह रहना है। मुझे खरगोश की तरह बदल सकते हो क्या स्वामी जी? साधु ने जवाब देते हुए पूछा, तुम इस पूरे जंगल के महाराज हो, ऐसे छोटे से खरगोश में बदलना चाहते हो? इंसान तक शेर की तरह जीना चाहता है, पर तुम ऐसे छोटे जीव में बदलना चाहते हो, ऐसा क्यों? शेर ने कहा, नहीं स्वामी जी, मुझे ऐसे ही उछलने वाली खरगोश की तरह जीना है। ठीक है फिर।
बोलकर साधु तुरंत शेर को खरगोश की तरह बदल देते हैं। गोरा छोटा प्यारा सा खरगोश बनने वाला शेर वह साधु के आश्रम के पास उछलते हुए खरगोश दूसरे जानवरों को मिलकर खेलते हुए खुश हुआ। जो भी मिला वो खा के अच्छे से गुजारा कर दिया। इतने में शिकारियों की आने की भनक लगते ही सारे जानवर भाग गए। कैसे भागना है पता न होने पर खरगोश शिकारी के पकड़ में आ गया। अरे ये तो मस्त है, आज तो मुझे दावत ही है, बोलते हुए बस्ते में डालकर आगे चलने लगा शिकारी। तभी दूसरा जानवर दिखने से उसे शिकार करने के लिए बस्ते को नीचे रखा। यही मौका देख खरगोश बस्ते से एक बार में उछलकर वहां से भाग गया और तुरंत साधु के पास जाकर जो भी हुआ सब बोलकर पहले की तरह शेर में बदलने की विनती की। अब तो समझ आ गया ना, प्रकृति हर एक जीव को एक लक्षण देती है। उसे इनकार करके दूसरे जीव की तरह जीना चाहो तो ऐसा ही होगा, बोलकर साधु ने खरगोश को शेर में बदल दिया। बाद में शेर गरजता हुआ अपनी गुफा में चला गया। गधे की परछाई। सिरीपुरम नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामैया नामक एक गरीब रहता था। उसके पास एक गधा भी था। उस गधे को भाड़े में देके मिले हुए पैसों से ही गुजारा करता था। एक दिन सोमैया नामक व्यक्ति आकर उसके सफर के लिए गधे को भाड़े में लिया। बाद में सोमैया गधे के ऊपर और रामैया गधे के पीछे चल पड़े। सूरज सर के ऊपर आके बहुत धूप हो रही थी, इससे उन लोगों ने सफर रोककर एक जगह आराम करने लगे। गधे की परछाई में सोमैया सो गया और रामैया धूप में ही था। क्योंकि गधे की परछाई दोनों लोगों के लिए काफी नहीं होती, तो अब सोमैया गधे के परछाई में बहुत जल्दी सो गया। तब रामैया उसके गधे को थोड़ा बाजू में लेके उसके परछाई में सो गया। भारी धूप की गर्मी से सोमैया उठ के देखा तो गधा बहुत दूर था। उसके परछाई में रामैया आराम से सो रहा था। यह देख सोमैया को बहुत गुस्सा आया और वो रामैया को उठाकर झगड़ा करने लगा और वह झगड़ा बहुत बड़ा हो गया। मैंने मेरे गधे को भाड़े में दिया पर उसकी परछाई को तुम्हें भाड़े में नहीं दिया। उस बात पे झगड़ा और बड़ा होकर मारपीट तक चली गई। यह सब देखने वाली गधा वह भार ना उठा पाते हुए बाजू में फेंककर वहां से चला गया। बुद्धिमान बकरी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के पास एक बकरियों का झुंड था। वह रोज उन्हें घास चराने के लिए गांव के कोने में ले जाता था। उस गांव के पास ही बहुत बड़ा जंगल था। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बकरी थी। उम्र में छोटे होने पर भी बुद्धि में बड़ों के समान थी। एक दिन मालिक ने बकरियों को घास चराने ले गए। तब उसमें से छोटी सी बकरी वहां से कूदते हुए अपने झुंड से बिछड़कर जंगल की तरफ चली गई। अपनी गलती समझकर वापस आ रही थी तो उसे भाग सामने दिखा। भाग को देखते ही बकरी डर से कांपने लगी। कैसे भी हिम्मत जुटाकर भाग के सामने खड़ी हो गई। भाग बकरी के ऊपर कूदने ही वाला था कि भाग राजा एक मिनट रुकिए, मैं आपको तीन सच बोलूंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे छोड़ना होगा। बकरी की बातें पसंद आने पर ठीक है बोलो। फिर बकरी ने कहा, आप अपने बाकी के भागों से आज मुझे एक बकरी दिखी पर मैंने उसे बिना कुछ किए छोड़ दिया। बोलकर बोलने पर वे नहीं मानेंगे, ये सही है ना? हाँ सही है। वैसे ही मैं अपनी बकरियों के झुंड को मुझे एक भाग दिखा पर उसने मुझे छोड़ दिया। बोलने पर वे भी नहीं मानेंगे, ये भी सही है ना? भाग ने हाँ करते हुए अपना सिर हिलाया। अब तीसरा सच, बहुत देर से मैं आपके सामने खड़ी हूँ पर फिर भी आप मुझे मानने के बजाय मुझसे बात कर रहे हो,
इसका मतलब आपको भूख नहीं है, ये भी सच है ना? बोली बकरी। उतनी छोटी सी बकरी उसके सामने खड़े होकर उतनी हिम्मत से बात करना देख बाघ को अच्छा लगा। हाँ सच है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ। तुरंत छोटी बकरी झट से वहाँ से फरार हो गई। घर लौटने के बाद यह सारी बात अपने झुंड से बोली। यह सुनकर बाकी के सारे बकरियों ने उस छोटी सी बकरी की तारीफें की।